हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ के वी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टूड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास फिफ्थ ईवीएस ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ब्लो मतलब होता है फूक मारना ओके okay? तो ये आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये फर्स्ट वीडियो है इसकी जिसमें मैं आपको एन सी आर टी का जो चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करूँगी प्लस जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे एन सी आर टी के वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एंड इन नेक्स्ट वीडियो आपको पता होगा वी विल डू वर्कशीट एंड देन आपके लिए क्विज आएगी ओके okay? तो चलिए अच्छे से समझेंगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फिफ्टीन क्लास फाइव ईवीएस ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड देर वॉज ए वुड कटर एक बार की बात है एक वुड कटर था जिसे आप हिंदी में लकड़हारा कहते हैं जो लकड़ी काटता है एवरी डे इन द मॉर्निंग रोज सुबह ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड वो सुबह फॉरेस्ट में जाता था वुड को कट करने के लिए इन द इवनिंग ही वुड सेल द वुड इन द सिटी और शाम को जाके फिर शहर में सिटी में जाके वो वुड को सेल कर देता था बेच देता था वन डे ही वेंट डीप इन टू द फॉरेस्ट एक दिन वो डीप मतलब होता है बहुत अंदर तक चला गया फॉरेस्ट में घने जंगल में चला गया इट वॉज अ वेरी कोल्ड विंटर और उस टाइम बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी यानी कि ये विंटर्स की बात है हिज फिंगर्स वर बिकमिंग नम उसकी जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल नम हो गई नम मतलब होता है सुन हो जाना है जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो ठंड की वजह से जो ब्लड है वो क्लॉट ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और फिर बिल्कुल उंगलियां कुछ फील नहीं होता आपको कुछ बॉडी पार्ट्स में उसको बोलते हैं नम एन यू एम बी बी साइलेंट रहता है नम सुन हो जाना एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ तो थोड़ी थोड़ी देर में वो क्या कर रहा था वुड कटर अपनी एक को साइड में रख रहा था बार बार कुल्हाड़ी को और उसके बाद अपने हाथों को अपने फेस के पास लेके आता एंड देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वॉर्म देम आपने भी देखा होगा कई बार आप प्रेयर कर रहे हैं सपोज करिए बाहर ग्राउंड में और बहुत ज्यादा ठंड है तो बच्चे करते हैं ना मुंह के पास बार बार हाथ लेके आएंगे और ब्लो करेंगे क्योंकि उससे हाथ गर्म हो जाते हैं या फिर आप रब करते हैं हैंड्स को आपस में वायल ही वॉज कटिंग वुड जब वो वो वुड वो काट रहा था मियाँ बलिश्ते वॉज वॉचिंग इम फ्रॉम द कॉर्नर तो मियाँ बलिश्ते उसको कॉर्नर में देख रहे थे देखिये ये वुड कटर और ये मियाँ बलिश्ते हैं मियाँ बलिश्ते सो दट द वुड कटर केप्ट ब्लॉइंग ऑन इज हैंड वो देख रहा था कि ये बार बार अपने हाथों को फूक मार रहा है ही बिगेन टू वंडर वॉट ऑल वॉज वॉट दैट ऑल दैट वॉज अबाउट तो वो सोच रहा था ये फूक क्यों मार रहा है अपने हाथों पर ब्लॉक क्यों कर रहा है बट ही कु नॉट अंडरस्टैंड इट लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था ही गॉट अप थिंकिंग दैट ही वुड गो एंड आज द वुड कटर वो खड़ा होता है सोचता है कि मैं अभी जाके वुड कटर से पूछता हूँ कि भाई तुम हाथों पर फूक क्यों मार रहे हो आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल जब वो थोड़ा पास में जाता है ही केम बैक थिंकिंग दैट द वुड कटर में नॉट लाइक बींग आस्ट तो उसने सोचा कि हो सकता है वुड कटर को पसंद ना आए ऐसा पूछना तो वो नहीं पूछता है फाइनली मियाँ बलिष्टे कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ और फाइनली उससे रहा नहीं गया ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर वो हॉप करते हुए वुड कटर के पास जाता है एंड सेड और कहता है हेलो ब्रदर इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात तुमसे पूछूँ सींग दिस टाइनी पर्सन बलिष्टे जो था वह छोटा सा पर्सन था वो कहता है वुड कटर वो अमेज वो अमेजिंग फील करता है एंड अम्यूज और खुश भी हो जाता है बट ही माइंड हिज स्माइल बट ही हिड हिज स्माइल एंड सेड

सेड मियाँ बलिश्ते मियाँ बलिश्ते उससे पूछते हैं ओके द वुड कटर रिप्लाइड वुड कटर रिप्लाई करता है इट इज टू कोल्ड बहुत ज्यादा ठंड है माई हैंड्स आर फ्रोजन मेरे हाथ एकदम फ्रीज हो गए हैं जम गए हैं सो आई ग्लो ऑन देम टू वॉर्म देम अ लिटल इसलिए मैं थोड़ा उनको गर्म करने के लिए ब्लो कर रहा हूँ देन वेन दे गेट कोल्ड अगेन आई वॉर्म देम अगेन बाई ब्लोइंग जब वो फिर से ठंड फिर मैं काम शुरू कर देता हूँ फिर ठंडे हो जाते हैं फिर ब्लो करके गर्म करता हूँ फिर काम शुरू कर देता हूँ ठीक है फाइन इनफ मियाँ ने नोडेड वो नोट करते हैं अपनी गर्दन को हिलाता और कहता है ओ oh, ओ oh, अच्छा अच्छा सो दैट इज इट ये बात है एंड वेन विद ही मूवड ऑफ और फिर वो वहाँ से मूव ऑफ कर जाते हैं चले जाते हैं बट ही स्टेड नियर बाई लेकिन वो पास में ही रहते हैं मियाँ ने एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम और वुड कटर को देखते रहते हैं सून इट वॉज आफ्टरनून जल्दी ही आफ्टरनून हो जाती है The began to think of lunch. सोचता है कुछ खा लेता हूं. He picked up two stones and made a वो जल्दी से दो उठाते हैं हैं। ऐसे और देखिए बना लेते हैं. He lit a fire. वो लाइट करते हैं जलाते हैं विद मतलब होता है गीली लकड़ियों से सॉरी फायर एंड पुट अ स्मॉल हांडी फिल्ड विद पोटैटो टू बॉइल और पटेटोज में डाल के हांडी में जिसे आप एक पॉट होता है आर्धन पॉट मिट्टी का पॉट उसे हांडी कहते हैं उसको उसके ऊपर रख देते हैं द वुड वॉज डैम्प वुड जो है वो डैम्प होती है थोड़ी गीली होती है सो द वुड कटर बेंड डाउन इसलिए वुड कटर थोड़ा झुकते हैं एंड ब्लो ऑन द फायर टू हेल्प इट बर्न आपने अगर कभी देखा है गाँव में जब लकड़ियाँ जलाते हैं फिर आप सर्दियों में अगर जलाते हो जब बुझ जाती है वो तो आप थोड़ा ब्लो करते हो फूक मारते हो जिससे कि वो फिर से जल जाए ओके बनिश् वोज वॉचिंग हिम फ्राम अ डिस्टेंस बलिश्ते उसको डिस्टेंस से देख रहे थे वो कहते अरे ही सेट टू हिमसेल्फ देर ही गोज अगेन ये फिर से ब्लो कर रहा है ब्लोइंग फ्राम इज माउथ डज फायर कम आउट फ्राम इज माउथ अब वो सोचते हैं कि पहले तो चलो इसके हाथ गर्म हो रहे थे अब वो फूक मार रहा है ब्लो कर रहा है और उससे आग जल रही है तो क्या उसके मुँह से आग निकल रही है जिसकी वजह से लकड़ियों में आग जल रही है बलिश्ते फिर से कन्फ्यूज हो जाते हैं द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री वुड कटर को बहुत भूख लगी थी ही टुक आउट अ पोटाटो फ्रॉम द हांडी वो हांडी में से एक पोटाटो निकालते हैं ही ट्राई टू ईट इट और उसको खाने की कोशिश करते हैं बट द पोटाटो वॉज टू हॉट लेकिन पोटैटो जो होता है वो बहुत गर्म होता है ही अगेन बिगेन टू ब्लो ऑन इट वो फिर से फू फू करके उसके ऊपर ब्लो करने लग जाता है अरे सेट बलिश्ते टू हिमसेल्फ अब तो, तो बलिशते और कंफ्यूज हो गया हाथ को तो गर्म कर रहे थे फूक से और आलू को ठंडा कर रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है ही इज़ ब्लोइंग अगेन ये तो फिर से ब्लो कर रहे हैं नाउ वो अब ये क्यों ब्लो कर रहा है इज ही गोइंग टू बर्न द पोटैटो उसको लगा कि उसके मुंह से आग निकलती है जिससे उसके हाथ गर्म हुए आग जल गई अब वो पोटैटो तो पहले से गर्म है आप पोटैटो पे अगर ब्लो करोगे फूँक मारोगे तो पोटैटो तो और गर्म हो जाएगा या फिर ये पोटैटो को जलाना चाहता है ये क्यों फूक मार रहा है फ्टर ब्लोइंग uh, 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 उसके बाद कुछ और फूक मारने के बाद ऑन इट द वुड कटर पुट इट इन हिज माउथ उसके बाद वो उसको अपने मुंह में डालता है and begin to eat it और उसको खाने लगता है मियाँ बलिश्ते बहुत confused है और कन्फ्यूजन की बात भी है एक बार फूक से आप हाथ को गर्म कर रहे हैं और उसी फूक से आप आलू को ठंडा कर रहे हैं नाउ मिया वॉज वेरी सरप्राइज अब इसका रीजन भी देखिए हम लोग देखेंगे अब मिया बहुत सरप्राइज हो जाते हैं ही जस्ट वुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ अब तो उनसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है एंड ऑफ ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर वो हॉप करते हुए और चलते हुए वुड कटर के पास जाते हैं हेलो ब्रदर ही सेट इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अर क्वेश्चन अगेन क्या मैं फिर से तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अगर आप माइंड ना करो द वुड कटर रिप्लाई नॉट एट ऑल आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट बिल्कुल भी नहीं जो तुम्हें पूछना है पूछो निया बलिश्ते सेट दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ग्लो ऑन यूर हैंड टू वॉर्म दैम आप सुबह तुमने मुझे कहा कि तुम अपने हाथों पे फूंक मार रहे हो क्योंकि तुम्हें उन्हें गर्म करना है नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो अब तुम इस पोटैटो पे फूंक मार रहे हो विच इज ऑलरेडी सो हॉट जो पहले से ही गर्म है वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर ये पहले से आलू बहुत गर्म है तुम इसे और गर्म क्यों करना चाह रहे हो नो नो माई लिटिल फ्रेंड नहीं नहीं द पोटैटो इज टू हॉट ये पोटैटो बहुत ज़्यादा गर्म है आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन मैं इसको ठंडा करने के लिए कूल cool करने के लिए ब्लो कर रहा हूँ तो इसलिए चैप्टर का नाम ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड है आप उसी से ठंडा उसी से ही गर्म कर रहे हैं एक ही चीज से तो ऐसे कैसे पॉसिबल है वेन ई हर्ड दिस जब मियाँ बलिश्ते सुनते हैं मियाँ बलिश्ते फेस बिकम वाइट उसका फेस एकदम सफेद हो जाता है ही बिगन टू ट्रेम्बल विद फियर वो डर से कांपने लगता है एंड स्टार्टेड टू बैक अवे और वापस जाने लगता है द वुड कटर वॉज अ गुड मैन वुड कटर एक अच्छा आदमी था ही सेट वो कहते हैं वॉट इज रॉन्ग मिया क्या प्रॉब्लम है मियाँ आर यू ट्रेवलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्या तुम ठंड की वजह से कांप रहे हो बट मियाँ बलिश्ते मियाँ बलिश्ते रहते हैं ही अ सेफ डिस्टेंस अवे जब वो काफी दूर उससे पहुंच जाते हैं सेफ डिस्टेंस पर ही सेट टू हिमसेल्फ वो खुद से कहते हैं वॉट काइंड ऑफ क्रीचर इज दिस ये कैसा क्रीचर है कैसा जानवर है श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट और अ जिन ये जिन लिखा है डी साइलेंट रहता है इसमें यह ज़रूर कोई घोस्ट होगा या फिर कोई जिन होगा ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रेथ उसी ब्रेथ से फूक से ये गर्म भी कर रहा है चीज़ों को और उसी फूक से ठंडी भी कर रहा है इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल कोई चीज़ गर्म कर सकती है या फिर ठंडा कर सकती है। एक ही चीज़ गर्म ठंडा कैसे कर सकते पॉसिबल ही नहीं है दैट्स राइट देयर आर समथिंग विच जस्ट कैन नॉट बी बट दे आर कुछ ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हो ही नहीं सकती बट है तो देखिए मियाँ उन्होंने तो गुड़ घुड़कटर ने उसको आंसर नहीं दिया मियाँ बलिष्टी तो कन्फ्यूज़ ही रह गए बट मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ होता क्या है हमारी ब्रेथ एक्चुअली में हॉट होती है क्योंकि हमारे लंग्स से आए और लंग्स आप जानते हैं बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा होता है बट होता क्या है अगर आप अपने फेस के अगर आप अपने फेस के बिल्कुल पास अपने हाथ को रखें यहाँ पर अपने हाथ को रखिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मैं तो डेफिनेटली आपको अभी नहीं दिखा पाऊंगी और उसके बाद ब्लो करिए फूक मारिए अपने हाथ पर तो आपको वो जो ब्लो कर रहे हैं फूक जो है हवा जो है वो आपके लंग से जो आ रही है वो गर्म लगेगी क्योंकि गर्म ही बाहर आ रही है लेकिन अगर आप अपने हाथ को थोड़ा डिस्टेंस पर रखिए अप्रॉक्स फिफ्टी टू ट्वेंटी सेंटीमीटर दूर रखिए यहाँ पर अब फिर से फूक मारिए अपने हाथ पर अब आप देखिए आपको वो ठंडी लगेगी तो रीज़न ये है कि जब आप फूक मारते हैं और आपके हाथ या फिर जो भी चीज़ पे आप फूक मार रहे हैं वो पास में ही है तो क्या होता है वो आपको गर्म ही लगता है क्योंकि अंदर से जो हवा आ रही है वही आपके हाथों पे जा रही है लेकिन जब आप दूर रखते हैं उस चीज़ को तो एक्चुअली में जो हवा आपके लंग्स से आ रही है वो बाहर की हवा के साथ मिक्स हो जाती है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो ठंडी हो जाती है ये रीज़न है उसी से गर्म और उसी से ठंडा होने का इसलिए देखिए जब सर्दी होती है तो आप बिल्कुल मुंह के पास ले जाके अपने हाथों को ब्लो करते हैं ताकि वो गर्म लगे आपको ओके और कोई चीज़ आपको ठंडी करनी है तो खाना आपको ठंडा करना है तो आप ऐसा तो नहीं बिल्कुल मुंह के पास ले जाके फूक मारते हैं थोड़ा डिस्टेंस पर रखते हैं जिससे कि वो जो है हवा वहाँ तक जाए तब तक वो ठंडी हो जाए ओके आप चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं बहुत ईजी है कुछ नहीं है जस्ट वीडियो जब आप देख रहे हैं अपने हाथ को मुँह के बिल्कुल पास रखिए ब्लो करिए फूक मारिए फिर दूर रख के फूक मारिए देखिए यू कैन सी द डिफरेंस ओके तो आई थिंक चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो नाउ डू दिस यू हैव टू डू दिस मियाँ बलिश्ते वो ऑज कन्फ्यूज मियाँ बलिश्ते तो कन्फ्यूज थे वेन इज सो दॉड कट वुड कटर ब्लोइंग इज होल्ड हैंड कोल्ड हैंड टू मेक दैम वॉम ऑन दिस एंड होल्ड पोटैटो टू कूल दैम मियाँ बलिश्ते बहुत कन्फ्यूज थे कि उसी से वो हाथ को गर्म कर रहे हैं और आलू को ठंडा कर रहे हैं हैव यू वॉम्ड योर हैंड्स इन विंटर बाई ब्लोइंग दम ऑन वेन दे आर कोल्ड हाउ डज इट फील क्या आपने कभी अपने हाथों को गर्म किया है उनके उनको फूक मार के ठंड में और वो कैसा फील करते हैं आप उस टाइम तो यस डेफिनेटली ये सभी ने किया होगा क्योंकि हमेशा तो आप अपने पास कुछ ऐसी चीजें नहीं लेकर रखते हैं जिससे कि आप गर्म कर सके ब्रेथ ही एक चीज है ऐसी सो आंसर डेफिनेटली यस होगा सबको और कैसा आप फील करते हैं यू फील वॉर्म आप लिख दीजिए वॉर्म एंड कंफर्टेबल आप वार्म फील करते हैं कंफर्टेबल फील करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड जोर से अपने हाथ uh, मुंह से अपने हाथों को पे ब्लो करिए फूक मारिए हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड वॉज इट हॉटर और कूलर क्या वो जो एयर है वो हॉटर है या फिर कूलर है तो जैसा मैंने बताया कि हमारे माउथ से जो हवा आती है दैट इज हॉटर एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड चारों तरफ जो हवा है उससे हमेशा बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है सो आंसर यहाँ पे होगा वॉज इट हॉटर और कूलर इट इज़ हॉटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ पुट योर हैंड एट डिस्टेंस अब कुछ डिस्टेंस पे अपने हाथ को रखिए एंड ब्लो अगेन फिर से ब्लो करिए अब बताइए कि एयर कैसी फील होती है वार्म या फिर कोल्ड तो जैसा मैंने कहा आप दूर के करेंगे तो अब आपको एयर जो है वो कूलर फील होगी ठंडी फील होगी एंड वॉट इज द रीजन देखिए रीजन मैं आपको बता देती हूँ अभी लिख के क्योंकि इसका आंसर आपको लिखना पड़ सकता है एग्जाम में सो आंसर थ्री फर्स्ट इज जब आप थोड़ी डिस्टेंस पर रखते हैं एंड यू ब्लो ऑन देम तो इट डज़ नॉट फील मच वॉम वो बहुत ज़्यादा आपको वार्म फील नहीं होती है इट फील कूलर वो फील होती है जैसे थोड़ी ठंडी फील होगी आपको एंड वॉट इज द रीजन दिस इज बिकॉज क्यों वो ठंडी लगती है बिकॉज वाइल्ड ट्रैवलिंग फ्रॉम माउथ जब आपके मुंह से हवा ट्रैवल कर रही होती है टू आर हैंड आपके हाथों तक द एयर जो हवा है फ्रॉम माउथ जो आपके माउथ से आ रही है इट गॉट मिक्सड विद वो मिक्स हो जाती है गेट्स मिक्स विद मिक्स हो जाएगी द आउटसाइड एयर बाहर की हवा के साथ ओके एंड बिकम कूल और ये ठंडी हो जाती है बाहर की एयर के साथ मिक्स होके दैट इज वाई फिर वो आपको कूल cool फील होती है अगर पास में है तो फिर उसको मिक्स होने का इतना चांस नहीं मिलता वो तो सीधा आपके हाथ पे ही लगती है इसलिए वो वार्म फील होती है ओके okay? सो दिस आंसर आप लिख लीजिए कहीं पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है इस आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है क्योंकि चैप्टर का नाम ही ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड है और रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो है इसके जो आगे है एक्चुअली थोड़ा वन फोर्टी वन अभी एक बहुत लेंदी चैप्टर बचा हुआ है बहुत सारी चीज़ें आपको करानी है दिस वी विल डू इन आर नेक्स्ट वीडियो अभी इसको इतना ही रखते हैं बहुत लेंदी नहीं करते फिफ्टी मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है एक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा दैट इज़ इनफ ओके सो थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर पार्ट टू